रिएक्शन में आज देखेंगे गैदंग बाजारनी पोकोरा न्यू ऑफिशियल कॉमेडी म्यूजिक वीडियो। स्वरांग, प्रदीप, पेमिला, ताजिम एंड ऑर्गेंग, ये वीडियो का टाइटल है। यस बी शाइन प्रोडक्शन का ये वीडियो है और इस वीडियो का सारा क्रेडिट उनके चैनल का ही रहेगा। उनके चैनल का और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैं आपका दोस्त संजय और मैं कविता, नमस्कार। खुलुम भाई स्वीकार करें और वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, तो प्लीज़ इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें और पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। एस बी शाइन प्रोडक्शन। स्वरांग नर्सरी। स्वरांग रस मत है आप शिशु ले भी हम यो अब बिहाव को बीवे जी भूवे भाई हम बा आ फुटा फुटने हाँ मले या बीवे जी भुने माने ये फर रागो ससुर जी एक हस्बैंड है। गाइडंग बजट नी पकोरा अंगी भी हम ये रागो कोरा गाइडंग बजट नी पकोरा अंगी भी हम ये रागो कोरा रुचि गरन भी जखाया शौमिन ममन नोगा कुली गंगटंग नाबले ब्ले जेरों की थंगा जोड़ाम ब्ले मामा रसलाई यो भी यो लेप 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 जाओ लेप लेप जाओ लेप लेप जाओ लेप लेप चालाई बगन ले बिस्कावने बिहाओ बिहाम जो बजटनी पकोरा आंनी बिहामजोआ दागा खरा गायदां बजटनी पकोरा आंनी बिहामजोआ दागा खरा रुचि गोरान बियो जाखाया शौमिन ममन नङा गुफुरै गावदां नाब्ले ब्ले जेरखि थाङा जदां ब्ले मामा रजलायो बियो ले होटल मे दे खाय लागलि सुमे बाय दावले ब्ले दावले ब्ले दावले ब्ले ओइ गलै नङ सबजों बो छय अफा
अफा मा जाजोबगोन नोंसिनि आखल आखुफ्रालाय बिहामजोबो बेनो बिहावबो बेनो नोंसोर मानो बिब्दि नांलाय खमला लोङै जायै मानो दावराव दावसि माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांलाय खमलाय जोंलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव दावसि जोंलाय Action. Bang, go see. I'm going to be a little bit. जागोन दे आंखौ थाइलेण्डआव बेरायनो लाङा दा तो गाइस ये था सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हंस हंस के मतलब पेट में दर्द होने लगा था हम दोनों के बहुत ज़्यादा हंसे दोनों भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल काम किया सभी लोगों ने बस सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सॉन्ग आपको जियो सावन gaana.com हर उस ऐप पे मिलेगा जहाँ पे मतलब हर सॉन्ग्स होते हिंदी इंग्लिश ओरिजिनल सॉन्ग्स वहाँ पे ये सॉन्ग आपको अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जाके भी इस सॉन्ग को सुन सकते हैं और यूट्यूब पे तो है ही तो बात करेंगे यहाँ पे म्यूज़िक की बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक था इस सॉन्ग का मतलब इनका कंसेप्ट था उस हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था और सिंगर्स की आवाज़ भी उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली गाया है यहाँ पे बात करें मैं मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अंकल जी का काम वाओ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल काम किया है शायद वो तो मतलब जैसे उनको बाहर फेंक देती है मैम वो बाहर बैठ कर जैसे बातें करते हैं और वो जो टोन थी ना बात करने की वो इतनी ब्यूटीफुल थी जैसे बाज़ार में जाती है और मैम वहाँ पे कुछ खाने के लिए देखती है उस जगह पे भी वो बैठ जाते हैं वहाँ पे और पीछे बॉयज़ मज़े लेते हैं उनके वहाँ से लेकर जैसे वो छतरी चालू बंद करने वाला मोमेंट वो बहुत ही म्यूज़िक के ऊपर मज़ेदार लग रहा था और मैम का काम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ पे उनके एक्सप्रेशंस देख के मज़ा आ गया सच में इतने ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस थे इतने बड़े बड़े वो पकौड़े थे वो एक इसमें ही खा रही थी वो और वो भी बहुत मज़ेदार था मतलब उस हिसाब से सभी लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल काम किया है स्वरंग भाई की बात करूँ तो लास्ट में उनका छोटा सा रोल है पर उनका काम भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि जैसे वो बिखरा हुआ उनका जो संसार था उसको समेट लेते वैसे कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में मैम का काम अंकल जी का काम और बाकी बॉयज़ का काम सभी लोगों के एक्सप्रेशंस एक्टिंग बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी सॉन्ग बना रहे थे और कॉमेडी करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है और इन लोगों ने ऐसा लगा कि इन लोगों के बाएं हाथ के उंगली का काम है इतना ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया उन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन और कंसेप्ट नो डाउट इतना ब्यूटीफुल था लोकेशंस का यूज़ डायरेक्टर साहब कमाल है यार आपकी सोच को इतना ब्यूटीफुल निभाया आपने और इतना ब्यूटीफुल ये प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पे बात करेंगे हम कविता से कि उनको कैसा लगा सॉन्ग का म्यूज़िक बहुत ही मज़ेदार था पूरा वीडियो ये कॉमेडी था इतना हंसने को मिला कि बस बहुत हंसे मतलब दिन भर की थकान गायब हो गई वो अंकल है वो
जैसे मतलब उनका फेस का मूवमेंट है वो गाना एक्सप्रेशन है फेस के मूवमेंट नहीं होते फेस की जो एक्सप्रेशन है वो बहुत मतलब देखने के लिए अच्छा लगा। और मैडम का भी रोल इतने मैम ने अच्छे से निभाया कि बहुत मैम ने अच्छे से कॉमेडी किया उसमें। मतलब इनको हम मराठी बोलने के लिए बोल सकते पर वो मराठी में क्या बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, वो हिंदी बोलती है तो बहुत मतलब यहाँ का वर्ड उठा के पीछे डाल देती है, पीछे का वर्ड उठा के फर्स्ट डाल देती है तो मतलब थोड़ा अजमले ही लगता है। पर आप मुझे भी अच्छा लगने लगा है वो जैसे बोलते है, बोलने दो तो बोलो तो गाइस मतलब जैसा अपना स्टाइल होता है उस हिसाब से उनका स्टाइल अच्छा ही है कह सकते हैं। अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास कि दूसरे किसी को लाके बिठा दे यहाँ पे, तो जो है वो है। पर कॉमेडी का सॉन्ग था और यहाँ पे भी बहुत कॉमेडी चल रही है। मतलब कैमरामैन हो बाकी सारा उनका क्रू सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पे। कैमरामैन ने इतने ब्यूटीफुल कैमरा एंगल्स लिए, जैसे कैमरा आगे पीछे जाता है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। एडिटर का काम, कॉस्ट्यूम, मेकअप टीम सभी लोगों ने जी जान से काम किया है। मैं प्रोडक्शन हाउस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि आपका यह प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और लोगों का हंसा हंसा के लोटपोट करने वाला था। तो हम लोगों को तो बहुत पसंद आया गाइस, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।